तो आईपीएल 2024 के लेकर हलचल तेज हो चुकी है। बता दें कि आईपीएल 2024 का जो रिटेन खिलाड़ियों का लिस्ट है वो 15 नवंबर से पहले घोषित कर देना है। ऐसे में अब चेन्नई सुपर किंग के रिटेन लिस्ट के लेकर आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले बता दें कि अब आईपीएल 2024 के लिए ट्रेडिंग विंडो भी खोल दिया गया है, जिससे एक खिलाड़ी दूसरे टीम में आसानी से जा सकता है या फिर आ सकता है। इसके अलावा बता दें कि दिसंबर में ऑक्शन भी होने वाला है, मिनी ऑक्शन होगा, बड़ा ऑक्शन नहीं है, लेकिन इसमें भी कई बड़े बड़े खिलाड़ी बेहद ही महंगे बिकने वाले हैं। इसका जो सबसे बड़ा वजह है, बता दें कि सभी टीमों का 5 करोड़ पर्स मनी और बढ़ने वाला है, यानी कि आईपीएल के इतिहास में पहली बार सभी टीमों के पास 100 करोड़ का पर्स मनी होगा। ऐसे में ज़्यादा बड़े खिलाड़ी तो ऑक्शन में नहीं होंगे, लेकिन जो भी होंगे उस पर बेहद ही बड़ा बोली लगते हुए नज़र आने वाला है। और हमें पूरा विश्वास है कि आईपीएल 2024 का जो मिनी ऑक्शन होने वाला है उसमें जो आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगे खिलाड़ी भी हमें मिलने वाला है। तो इससे पहले हम बात करें सीएसके के रिटर्न खिलाड़ियों के लिस्ट के बारे में, तो बता दें कि चेन्नई सुपर किंग का जो शुरू से एक हिस्ट्री रहा है कि वो ज़्यादा खिलाड़ी को रिलीज नहीं करती है, बशर्ते कोई मेगा ऑक्शन ना हो। अगर मिनी ऑक्शन होता है तो चेन्नई सुपर किंग अपने कोर खिलाड़ियों को बैक करती है और उसी टीम के साथ आगे जाती है। लेकिन इस बार चेन्नई सुपर किंग कुछ बड़े खिलाड़ी को रिलीज करने वाली, उसका कई बड़ी वजह है, इंजरीज है या फिर ज़्यादा महंगे होने का भी वजह है। वहीं बता दें कि चेन्नई सुपर किंग जो कि उनका कोर स्क्वाड है फिर भी बरकरार रहने वाला है, स्पेशली इंडियन खिलाड़ियों को लेकर बात करें तो बता दें कि जो चेन्नई सुपर किंग के रिटर्न खिलाड़ी की लिस्ट है वह कुछ इस प्रकार से हो सकता है। एमएस धोनी को कंफर्म रूप से बैक करने वाली है चेन्नई सुपर किंग, और आईपीएल 2024 में भी एमएस धोनी कप्तान रहने वाले हैं। रविंद्र जडेजा रहेंगे, बता दें कि रविंद्र जडेजा मोस्ट इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है चेन्नई सुपर किंग का, इसमें किसी को भी शक नहीं है दूर दूर तक। वहीं बता दीजिए इसके बाद हमें नजर आएंगे ड्वेन कनवे, ऋतुराज का एक बार जो हो सकता है कि वाइस कैप्टन फाइनली घोषित कर दिया जाए, क्योंकि एशियन गेम्स में अपने कप्तानी के दम पर टीम इंडिया को गोल्ड मेडल जिता चुके हैं। शुभांशु सेनापति नजर आएंगे, मोइन अली को भी बैक करने वाली है, मोइन अली का उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी बैक करेगी चेन्नई सुपर किंग। शिवम दुबे, राजविंद्रा हैंगकड़े, मिचेल सेडनर भी होंगे। इसके बाद हमें नजर आएंगे दीपक चाहर बेहद ही महंगे खिलाड़ी है, लेकिन जब से महंगा हुए हैं तब से उतना मुकाबला नहीं खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, इसलिए इन पर दबाव होगा कि आईपीएल 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले खेले। तुषार देशपांडे भी बैक करने वाले हैं। उसके बाद मथीस पिथराना, प्रशांत सोलंकी, महक तीक्षणा, अजिंक्य रहाणे, शेख राशिद, निशान संधु और भगत वर्मा, तो यह होने वाला है चेन्नई सुपर किंग के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट। और बात करें जो सबसे बड़े खिलाड़ी को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग, तो वह खिलाड़ी हो सकते हैं बेन स्टोक। इसके अलावा अंबाती राइडू को भी छोड़ने वाली, क्योंकि ऑलरेडी वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, ऐसे में उन्हें रिलीज करने वाली है कंफर्म रूप से। तो यह कुछ बड़े खिलाड़ी है जिन्हें रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग। तो आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग 2024 में कैसा रहेगा परफॉर्मेंस, क्या फिर से ट्रॉफी उठा पाएगी चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2024 में या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।